जाड़े में पनीर खाना है। ए, रंगीले, तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ए, ले रे। ए, खाली नमक चाहिए ना? हाँ, अभी लाके देता हूँ। जल्दी ला के दे। बेंजी, थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ। थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर, पानी उबाल। बंदर क्या जाने आता है। ये लो। कचरा कितना है। दादा, तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं नहीं। कुत्ते, इसको घर में किसने घुसने दिया? खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ। साले कुत्ते, राम सादे, राम सादा साला, आज तेरे रुक तेरी माँ का रुक साले। दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा कमीने साले। रुक, क्या हुआ? पूरा दिन खाना नहीं खाया सबने। क्यों? वो हिडिम्बा के पति ने मार मार के सबको बाहर फेंक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डब्बा भी उलट दिया। भाऊ समझ गया कौन है इसके पीछे। तूने कुछ किया नहीं? मैं जाता तो मुझे भी दो चार पड़ जाती भाऊ। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूँ साली को कि मैं कौन हूँ। साली नहीं भाऊ, साला, साले ने मारा इसको। सब जानता हूँ। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाऊ। उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी चार पांच गालियां दी और मुझे भी चार पांच ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया इसलिए हाथ रुक गया। निकल बाहर। कौन है? बुलाओ उस मोटे को बाहर। मेरे मजदूरों को पीटने वाले उस राक्षस को बाहर बुलाओ। इस टिचकुले के लिए उसके मजदूरी सब कुछ है, याद रखना। मजदूरों की आंखों में आंसू का एक बूंद भी देखता हूँ ना तो ये चूहा शेर बन जाता है। ए मिस्टर। ए, खबरदार जो मुंह खोला तो अपना। चुप करके बैठी रहे। उसको बाहर निकाल अपने भाई को, नहीं तो लात मार के दरवाजा तोड़ दूंगा। बाहर निकल यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तेरे पति ने मेरे मजदूरों को गाली दी है, उससे मैं बदला ले के रहूंगा। उस भिखारी को मुझे घर में घुसने नहीं देना चाहिए। सलिया घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर। एक तो मजदूरों को मारती है, ऊपर से बकवास करती है। ए मिस्टर, जो वाहियात हरकत उसने की है उसके लिए तो इतनी मार भी कम है। तेरे आंखों में डाल दूंगा ये छाता। जा बोला अपने भाई को, उससे ही बात करूंगा मैं। मैं वैसे भी औरतों से बात नहीं करता, मर्द ही बात करेंगे आपस में। तो तब आना जब वो घर पे होंगे। ओए ओए, वो कूतरा घर पे नहीं है। बोल देना उसको कि कॉन्ट्रैक्टर टिचकुले उसकी हड्डी पसली निकाल के डांडिया खेलने वाला है और साथ में उसको जला के उसकी राख से पूरा गाँव दंत मंजन करेगा। बोल देना उसको। और हाँ, गांव वालों को पूछ लेना कि जिन जिन लोगों ने टिचकुले साहब के साथ पंगा लिया ना उसको अपना परिवार देखना भी नसीब नहीं हुआ, समझे?
चलो। उठो भैया उठो, भैया उठो। क्या हुआ? देखो बाहर कौन आया है। बाहर पुलिस आई है। पुलिस? वो जबरदस्ती मेरे घर में घुसाया, औरतों को दबोचा और गाली गलौज की। उसने आपके साथ कुछ नहीं किया? अरे मैं घर पर होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देता। उसे तो बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हरीश, माँ की ममता जाग गई आज। मैंने सुना नीरा नदी का पुल जब बम से उड़ा दिया तो आपने और बाबूजी ने मुझे दोषी ठहराया, और ये नालायक कुछ भी आड़ा टेढ़ा करे तो अच्छा है, बच्चों का खेल है। ये केस बहुत पेचीदा होने वाला है, बहुत सारी धाराएं कल में लगने वाली है इस पे। घर में घुसपैठ, बलात्कार करने की कोशिश, देखना बहुत लंबे समय तक जाने वाला है ये अंदर। हाँ, ये सब केस झूठ है। इस पेटू ने मेरे मजदूर को मारा। मारा और मारूंगा। तेरे चमचे इतने नीच और हलकट है, घर में जब औरतें ना रही थी तो घुस के झांक रहे थे। अब ऐसी हरामी गिरी होगी तो आप क्या करेंगे, पकड़ के चुम्मा चाटी करेंगे? मेरे मरने के बाद ये सब नहीं कर सकता था तू। बाबूजी मैं जी, चलो मैं देखना चाहता हूँ इस देश में सच्चाई की कीमत है कि नहीं, और मैं जानता हूँ ये कांड के पीछे कौन है। वो ये पहली बार इस घर में पुलिस आई है। वो पहले भी आ सकते थे, लेकिन आप लोग घूस दे के निकल जाते हो, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं फंस गया। चल बे हलवाई। ओ पीछे पीछे चल, अंदर चल। वो सब बोलने के लिए है, तुम पीछे जाओ, ड्राइवर बैठा हुआ। आप आइए भाई साहब, आइए। अरे चोरी का सीना चोरी, सुन देखना भाग नहीं जाइए। माँ तू मेरी फिक्र मत कर, अंडे उबाल के रख, मैं अभी आया। चलिए भाई साहब। बाबूजी सोए हैं क्या? तुमने ऐसा क्यों किया भैया? मैंने क्या किया गुड़िया? मैंने कोई गलत थोड़ी किया, मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं। अब मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगी? अरे गुड़िया मेरी बात सुनो, गुड़िया गुड़िया बलात्कारी आया, बलात्कारी। बकवास बंद करो, समझे ना? क्यों तू कर सकता है, हम बोल नहीं सकते। चले ए, चल ए, चबरो ए, बात सुनो। मेरी माँ, माँ मैं तुमको समझाता हूँ, कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी कसम। बस मैंने कुछ ऐसी हरकतें करता है तो हम। माँ मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप खामा खाम भैया, आप ही सुनो भैया। भैया माँ, ओ माँ, काम वाली भाइयों को बोलो रात को दरवाजे पे कड़ी मार के सोया करे, छुट्टा सांड घूम रहा है घर पे। मेरी बाबूजी माना मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा, मैं सच्ची कह रहा हूँ बाबूजी मेरी। अरे नालायक, तू तो इससे भी घिनौनी हरकत कर सकता है, क्योंकि तू पैदा हुआ है ग्रहण के दिन, मनहूस कहीं का।